ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब ये है कि हर हर सोसाइटी में, हर सिविलाइजेशन में ही हमेशा होता है कि जैसे मतलब डिफरेंट टाइप के सबके लोगों के सोशल बैकग्राउंड्स होते हैं। मतलब कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, कुछ मतलब हर सोसाइटी के हिसाब से कुछ अपर क्लास में आता है, कुछ लोअर क्लास में आते हैं। तो मतलब इन पुराने इस टाइप के पुराने सिविलाइजेशन जिसके बारे में मतलब जिनके आधे हमारे पास मतलब काफी सारे एविडेंस नहीं है, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जैसे एज वी नो की राइटिंग मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हम मतलब 11th क्लास में राइटिंग या सिटी लाइफ में पढ़ा था, तो उस टाइप के चीजें जो बाद में डेवलप हुई थी तो जिनकी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब बुरिज्म ये सब कैसे हुए थे। आई मीन हरप्पन सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड्स है बट उसकी लैंग्वेज अभी भी कम्प्लीटली डिसाइफर नहीं की गई है। बट कमिंग बैक टू द सोशल डिफरेंसेस, तो जो सोशल डिफरेंसेस हमें कैसे पता चलेंगे, तो यूजुअली जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, दे वो ये स्पेसिफिकली देखते हैं कि मतलब जैसे कोई स्ट्रक्चर, जैसे इजिप्शियंस के केस में जो पिरामिड्स होते थे, जो फारोवाज जिनके क्वींस होते थे, उनके लिए उनके डेथ में बनाए जाते थे जो बहुत ही रिच मतलब लग्जरी से भरे होते थे, लाइक गोल्ड कॉइन्स होंगे उनके लिए, सारे ऑर्नामेंट्स, डेली यूज की चीज सब कुछ होता था। तो उतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर से एक या दो लोगों के बरियल साइज होते थे। तो मतलब एग्जैक्टली जैसे हमें क्लियरली पता चलता है कि हाँ पे ओके रूलर ये लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे वो नॉर्मली जस्ट बरियल थे। तो उस टाइम की सोशल डिफरेंसेस हमें जिस तरीके से बरियल होता है उनके थ्रू हमें पता चल सकती है। तो क्या एग्जैक्टली हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे, मतलब कि क्या उनको बरी किया जाता था या फिर क्रीमेट करते थे, मतलब जला देते थे उनकी बॉडीज को, या फिर मतलब या फिर दे वर बरीड विद लॉट ऑफ प्रेशियस ऑर्नामेंट्स, या फिर मतलब किस टाइप के उससे उनकी बरियल्स कैरी आउट किए जाते थे। उसके जो एविडेंस ज्यादा जो फाइंड आउट किए गए थे, इट्स प्रिटी जितना मतलब मोस्टली जो आर्कोलॉजिस्ट को मिला है, मोस्टली की जो ये लोग पिट्स बेसिकली डिग करते थे, मतलब जैसे जमीन में लाइक होल खोद के टाइप्स, एंड फिर उसमें बॉडीज को डालते थे। तो बहुत ग्रेट डिफरेंस तो नहीं पाया गया है, जैसे मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है जिस तरीके से पिट्स खोदे जाते थे, मे बी द वे दे हैव बीन मतलब डग, उसमें मतलब जिस तरीके से खोदे जाते थे उसमें अगर कोई डिफरेंस हो तो मोस्टली वही डिफरेंस होता, वरना इतना कोई अमेजिंग को ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि किसी ने किसी के लिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब उसके कोई एविडेंस नहीं पाए गए हैं। तो उस टाइप के इट्स मोस्टली अज्यूम की बरियल्स मतलब इतने बहुत बड़े बिग डील उस तरीके से नहीं थे। ऑल्सो जैसे कुछ काफ़ी साइज में नॉट जस्ट वुमेन बट ऑल्सो मैन, बोथ वुमेन एंड मैन सब लोगों में का मतलब कुछ एविडेंसेज हैं कि जैसे उनके साथ प्रेशियस नॉट नेसेसरली बट जैसे और जैसे मे और मे नॉट बी प्रेशियस एक्चुअली, मतलब पर आइटम्स पाए गए हैं, जैसे कुछ केसेस में ज्वेलरी भी पाया गया है। देयर वाज दिस वन एविडेंस जिसमें एक डेड बॉडी थी, तो उसमें एक पिट में पाया गया था कि उसमें नॉट जस्ट मतलब कैसा भी नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी ज्वेलरी बट पूरे मतलब थ्री लाइक शेल रिंग्स, शेल के बने होते हैं रिंग्स, ऑल्सो देयर वाज अ सेमी प्रेशियस स्टोन कॉल्ड जैस्पर, वो एंड ऑल्सो किस तरह कुछ माइक्रो हंड्रेड ऑफ माइक्रोबीट, वो सब वैसा एक ऑर्नामेंट एक मेल कॉर्प्स के साथ ब्रेड था। तो मतलब ऐसा नहीं कि इट वॉज ज्वेलरी नहीं होता था एंड इट वॉज ओनली एबल टू फीमेल, बट मेल्स के साथ भी बहुत बार मतलब खुद भी ब्रेड विद बोथ मैन एंड वेमेन। सो ये चीज मतलब इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू वुमेन, मतलब कोई एज का सॉरी जेंडर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। एंड ऑल्सो जो बट एंड काफ़ी बार ऐसा होता था कि ठीक है प्रेशियस चीज़ें होती थी, तो थोड़ा डाउट है कि मे बी दे बिलीव जैसे जिस तरीके से इजिप्शियंस बिलीव करते हैं कि आफ्टर लाइफ में कि मे बी जैसे इजिप्शियंस का बिलीव है कि जैसे जो जितने मटीरियल्स जो ये लोग रियल लाइफ में यूज़ कर रहे थे, किंग्स क्वींस या फिर जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब उनके साथ बरेड किए जाते थे, उनके ऑर्गन्स भी स्पेसिफिकली प्रिजर्व किए जाते थे, जिससे मतलब वो आफ्टर डेथ जो उनकी लाइफ होगी मतलब वहाँ पे भी वो लोग उन सब चीज़ों को सपोजिटली यूज़ कर सकते हैं। तो मे बी इनका भी सिमिलर बिलीफ था, बट ओवरऑल जितना एविडेंस पाया गया कि ऐसा नहीं कि सब में मतलब ये सब बहुत प्रेशियस चीज़ें स्टोर्ड है, तो इट्स प्रिटी इतना और एविडेंस मिला तो उसके हिसाब से इट्स जनरली कंसिडर्ड कि उनके लिए प्रेशियस चीज़ों को डालना विद द कॉर्पसेस मतलब प्रेशियस आइटम्स को बरी करना विद द बॉडीज वाज नॉट इम्पॉर्टेंट।
although ये मैं जो मैंने जो चीजें मेंशन की उसमें मैंने बता रखा है कैसे मतलब क्या क्या चीजें एविडेंस पाई जाती थी, बट ओवरऑल जितना एविडेंस पाया गया कि इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। although ये सब चीजें हैं कि ठीक है ये चीजें एग्जिस्ट करती है कि कुछ लोग के केस में बरेड होते थे, मतलब ज्वेलरी कुड बी फाउंड विद बोथ मेन एंड वुमेन, कभी कभी प्रेशियस चीजें होती हैं, कुछ कुछ आइटम्स काफी बार से इवन लॉट ऑफ कुछ कुछ कॉर्पसेस फॉर सम रीजन बहुत सारे कॉपर मिरर्स के साथ बरेड होती थी, और इनका कोई एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं है अभी तक क्लियर, मे बी कोई रिचुअलिस्टिक चीज के लिए होगा या फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा तो, बट ओवरऑल जो है कि प्रेशियस आइटम्स वर नॉट एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट वाइल बरिंग द डेड। तो जिस तरीके से डेड को बरी करा जाता है उससे थोड़ा सोशल डिफरेंस का आइडिया हो जाता है, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि किस किस तरीके से इनकी सोसाइटी डिवाइडेड थी, बट एक और तरीका जो होता है कि एक सोसाइटी में डिविजन फाइंड आउट करने का होता है लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज इस केस में रेफर किया गया है प्रेशियस आइटम्स को, जैसे जो आइटम्स होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में होते हैं या फिर जो जितने भी हम यूज करते हैं कोई भी यूज करते हैं, तो आइटम्स कैन मेनली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे एक है यूटिलिटेरियन, बेसिकली यूटिलिटेरियन एज मतलब जो हमें वर्ड से पता चल रहा है कि उसका मेन पर्पस उसकी यूटिलिटी होना, मतलब उसका यूज होना, उसकी जो यूजफुलनेस क्या है कि वो हमारे डेली लाइफ में कितना यूज होता है। यूजुअली दीज आर नॉट प्रेशियस, ऑब्वियसली वो सब लोग यूज करते हैं, मतलब यूजुअली रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, जैसे कुछ भी चीज़ हो सकती है, बीट और टूथ ब्रश में भी कोई पॉट्स होता था जो जमाने के जो पॉट्स में वाटर सेव करना, मतलब उस टाइप की चीज़ें, तो यू नो सिंपल एंड यूजुअली नॉट सो एक्सपेंसिव आइटम, एंड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे मटेरियल्स के बने, मतलब नॉर्मल चीप मतलब ठीक प्राइस जिससे सब लोग उसको यूज कर सके, तो यूटिलिटेरियन आइटम्स वो होते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी होती है दैट इज लग्जरीज, जो जो जैसे इनको मतलब रेफर किया जाता है बाय क्लॉजेस, तो लग्जरीज रेफर टू आइटम्स जो ऑब्वियसली लाइक एज मेंशन बाय द वर्ड इटसेल्फ लग्जरी होती है कि सब लोगों को नहीं मिलती, मतलब इसको ये होना एक लग्जरी के समान है कि जैसे एग्जाम्पल हो गया लग्जरीज का, मतलब जैसे कोई चीज रेयर आइटम है या फिर मतलब आइटम एक्सपेंसिव मटेरियल से कोई बना हुआ है, तो उस टाइप की चीज हुई, जैसे मतलब सब चीजें होती है जो मतलब एक सर्टन एरिया में भी नहीं पाई जाती है पर वो कहीं और से पाई जाती है, तो इफ यू हैव मनी तो आप उस चीज को इम्पोर्ट करोगे, अगर आपका वो होगा तो इससे ऑब्वियसली एविडेंट होता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो ये आपने एक लग्जरी अफोर्ड किया, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस टू मतलब वन एज अ पर्सन जिसके पास वो आइटम नहीं है, तो दैट पर्सन इज यूजुअली पुअर, राइट? तो मतलब जैसे इससे क्लियर रहता है कि सोसाइटी में कुछ डिफरेंस है, एंड ऑल्सो जैसे बहुत बार होता है कि रेयर आइटम भी होगा जो चीज़ नहीं पाई जाती, या फिर इट माइट बी समथिंग कि विच इज़ मेड ऑफ अ वेरी रेयर मटेरियल जो उस जोग्राफिकल एरिया में नहीं पाया जाता है, वो चीज़ कहीं और से मंगाई है, तो बहुत बार मतलब यू नो उस तरीके से इससे आर्कोलॉजिस्ट को आइडिया लग जाता है कि मतलब किस तरीके से डिविजन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, मे बी रिच और पुअर, हायर क्लास, लोअर क्लास, तो मतलब आइटम्स के थ्रू इस तरीके से पता चलता है कि अगर कोई चीज़ रेयर हो कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो, तो उसके थ्रू यू कैन रिड्यूस कि मतलब वहाँ पे क्या रिचर सोसाइटी सुपीरियर सोसाइटी एलिजिडली वो चीज़ एग्जिस्ट करती थी या नहीं। अब इस केस में मतलब बहुत बार बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट जस्ट वेरी इजी कि आप एक आइटम से ही आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बार और प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे क्लासिफिकेशन आर्कोलॉजिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो दोनों का मिक्स होती है, जैसे पॉट एज वी नो मतलब जो जैसे घड़े होते हैं जो तो वो यूजुअली यूटिलिटेरियन में आते हैं कि कोई भी नहीं खरीद सकता है, दे आर चीप, मतलब लोगों को पानी स्टोर करना होता है, बट इफ अगर वो कोई चीज़ जैसे कुछ बहुत ही रेयर मटेरियल से बना हो तो उसको किस चीज़ में क्लासीफाई करोगे, मतलब अगर चीज़ जैसे चीज़ जो डेली यूज में जैसे आती है बट इट्स मेड ऑफ अ रेयर मटेरियल तो उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो बहुत बार इस चीज तरीके से क्लासिफिकेशन बहुत टफ हो जाता है, जैसे कुछ कुछ आइटम्स थे जो बहुत ही मतलब जो पाए गए थे साइट्स में जो बहुत मतलब कॉमन थे यूटिलिटेरियन में टेक्निकली आने चाहिए थे, बट जैसे वो कुछ स्पेशल मटेरियल से बने हुए थे, जैसे एक फिंग्स करके एक मटेरियल होता है इट्स बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ जो ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद कलर एंड मतलब गम, मतलब बेसिकली इट्स स्पेसिफिक कंपोनेंट है, तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ कुछ पॉट्स थे जो इस मटेरियल के पाए गए थे, या फिर मे भी कुछ लग्जरियस चीज़ें थी जैसे जो वॉल्स कुछ बने हुए थे फ्रेम्स के, तो इससे क्लासिफिकेशन टफ हो गया था। सो शेड्यूल क्लासिफाइड एज अ लग्जरी और शेड्यूल क्लासिफाइड एज अ आइटम, तो इससे भी
बहुत बार आइटम्स के थ्रू भी एग्जैक्टली डिवाइड करना कि वेदर मतलब सोसाइटी में रिच एंड पुअर या सोशल डिविजन एग्जिस्ट करता था, ये चीज़ फाइंड आउट करना ऑब्वियसली टफ था. तो इसमें दीज आर द यूजली जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी चीज़ को जब वो क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब सॉरी डिवाइड कर रहे होते हैं, तो मतलब वो बहुत बार इन फीचर्स का यूजली इस्तेमाल करना पड़ता है. क्योंकि एज मैंशन अर्लियर, जैसे जो बरियल होता है, जिस तरीके से अपने डेड को आप बरी करते हो, मे बी बहुत रिचुअल्स के साथ किया, बहुत सारे मतलब यू नो सैक्रीफाइसेस उन्होंने जैसे किए, मे बी कुछ लाइक बहुत सारे प्रीस्ट या मतलब कोई भी रिलीजियस एंटिटी को बुला के बहुत ज़्यादा मनी डाला, प्रेशियस आइटम्स के साथ बरी किया, स्ट्रक्चर्स बनाए बड़े बड़े जैसे पिरामिड. तो इधर वैसा बिलीव एंड ऑल्सो इससे थोड़ा रिलीजियस बिलीव का भी थोड़ा आइडिया लग सकता है. तो इससे भी सोशल डिफरेंसेस का हमें पता चलता है. या फिर जो लग्जरीज होते हैं, जैसे जो अगर लग्जरीज अवेलेबल है एक साइट में, तो हमें पता चल सकता है कि ओ सो दे वर रिच पीपल, जो मतलब यहाँ पे जो चीज़ें नहीं मिलती थी वो चीज़ वो लोग मंगवाते थे एंड इट वॉज अ स्टेटस सिंबल. तो एज अ स्टेटस सिंबल से मतलब हमें पता चल सकता है कि मतलब यहाँ पे क्या कोई डिफरेंस इन स्टेटस या ये सब था या नहीं. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सिविलाइजेशन, इवन टिल डेट मतलब नॉर्मल सोशल डिविजन होते हैं. तो उस तरीके से मतलब इस सिविलाइजेशन में एग्जैक्टली क्या सोशल डिफरेंसेस था, तो ये सब बेसिकली इन दो मेथड्स के थ्रू पढ़ा जा सकता है.